नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। वैसे तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन पाइनएप्पल यानी कि अनानास भी कम नहीं है, जो कि भारत में व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में इसके खास टेस्ट और फ्लेवर की वजह से इसको बहुत पसंद किया जाता है। पाइनएप्पल में विटामिन ए, बी, सी, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन आदि बहुत होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रोमेलिन पाया जाता है, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसको ताजा खाने के अलावा डिब्बा बंद और प्रोसेसिंग करके दूसरे रूपों में भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में पाइनएप्पल ज़्यादा पुरानी फसल नहीं है, इसकी खेती पिछले 40 से 50 सालों से की जा रही है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। केरल का जो मॉरिशस पाइनएप्पल वैरायटी है सबसे अच्छा माना जाता है, और इसकी मिठास और क्वालिटी और इसके फ्लेवर के कारण इसको बहुत पसंद किया जाता है। सीजन की अगर बात करें तो पाइनएप्पल मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में 900 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड सहन नहीं कर सकता है। पाइनएप्पल जो है फरवरी से अप्रैल महीने में इसमें फूल आते हैं और जुलाई से सितंबर महीने में फल आते हैं। कभी कभी ऑफ सीजन में फूल आ सकते हैं और जिनमें जो है सितंबर से दिसंबर में फल आते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो पाइनएप्पल किसी भी मिट्टी में आसानी से हो जाता है। मिट्टी की जो पीएच है 5.5 से 6 अच्छी मानी जाती है, लेकिन भारी मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं होती और ये रेतीली मिट्टी में भी आसानी से हो जाता है और इसकी खेती करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वैरायटीज़ की अगर बात करें तो भारत में सबसे पॉपुलर जो पाइनएप्पल की वैरायटी है वो है जायंट क्यू। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी है जैसे क्वीन है, मॉरिशस है, कार्लोट है, रोज चाइल्ड है, जल धूप है, देसी लाखत और इस तरह की बहुत सी और भी वैरायटियाँ हैं। क्वालिटी के हिसाब से जो क्वीन है सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल जूस व दूसरे पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्यू वैरायटी व्यापारिक रूप से जो डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स के लिए बोई जाती है। पाइनएप्पल की पैदावार और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी कि रोपण पर निर्भर करती है। एक समान ग्रोथ के लिए एक जैसे साइज के रोपण का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक समय पर ही पैदावार ली जा सके। पाइनएप्पल सकर या स्लिप दोनों से लगाया जा सकता है। सकस जो कि जमीन के भीतर पौधे का अंकुरित भाग होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप जो कि तने की पत्तियां व फल की पत्तियां होती है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाइनएप्पल रोपण के लिए पौधे की जो गोल डंठले हैं उनको काटकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सकर से लगाई गई पाइनएप्पल की फसल 18 महीने में फल देती है, जबकि स्लिप्स व डंठल की कटिंग से रोपण वाली फसल 2 साल तक लेती है फल देने में। क्यू पाइनएप्पल के लिए जो रोपण के इस्तेमाल किए जाने वाली स्लिप या सकर है उनका वजन 300 से 450 ग्राम अच्छा रहता है। सकर या स्लिप्स को लगाने से पहले जो है हल्की धूप या छांव में आप 3-4 दिन सुखा सकते हैं, फिर खेत में इस्तेमाल कीजिए, खेत में उनको लगाइए। पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर व क्यारी से क्यारी की दूरी 90 सेंटीमीटर की रखी जाती है। इस तरह से 1 हेक्टेयर के अंदर पौधों की संख्या होगी 44,000 के आसपास, और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 75 सेंटीमीटर क्यारी से क्यारी की रखी जाती है, जिससे 1 हेक्टेयर में 63,400 पौधे लगाए जा सकते हैं। पाइनएप्पल लगाने के लिए मानसून यानी बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे 70 से 105 टन की पैदावार ली जा सकती है, और जो खरपतवार है उनकी समस्या कम आती है, और जो फल या फूल है उनको सनबर्न से कम नुकसान होता है। सकस और स्लिप्स की पैदावार ज़्यादा होती है। सिंचाई की अगर बात करें तो पाइनएप्पल की फसल बारिश के पानी से ही पककर तैयार हो जाती है, और अगर बारिश अच्छी ना हो तो पानी
लगाने की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी पैदावार के लिए हल्का फुल्का पानी समय समय पर लगाते रहना चाहिए। और खाद की अगर बात करें तो पाइनएप्पल की जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है और कुछ ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। प्रति पौधा 12 ग्राम नाइट्रोजन और 12 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी निर्भर करती है। नाइट्रोजन 6 बार में दी जाती है जबकि पहली डोज लगाने के 2 महीने बाद दी जाती है और उसके हर 2 महीने के अंतराल पर बाकी बची नाइट्रोजन की डोज 12 महीने तक दी जाती है। तो फास्फोरस की जो आवश्यकता है उसमें 4 ग्राम प्रति पौधा की दर से जो है फास्फोरस दी जाती है। पूरी फास्फोरस और आधी पोटास फसल लगाने के समय जबकि बाकी बची हुई पोटास 6 महीने के बाद दी जाती है। जहाँ तक देखभाल की बात है वैसे तो कोई सीरियस बीमारी या कीट नहीं आता पाइनएप्पल में, लेकिन मिलीबग कीट व हार्ट रोट बीमारी का प्रकोप हो सकता है। मिलीबग की रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियन के 0.02 से 0.05% सोल्यूशन में रोपण को डुबोकर लगाना चाहिए। वह हार्ट रोट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। सकर या स्लिप्स को लगाने से पहले फफूंदनाशी से उपचारित करना जरूरी है। पाइनएप्पल को लगाने से लेकर फल लेने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगता है। पाइनएप्पल कटाई के लिए मई अगस्त महीने में तैयार हो जाते हैं। पाइनएप्पल में फूल आने के 5 महीने बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। सभी फल एक समय पर आएं इसके लिए इथेरल एट द रेट 100 ppm सॉल्यूशन का छिड़काव फूल आने से 1 महीने पहले करना चाहिए। डिब्बा बंद पाइनएप्पल तैयार करने के लिए फल की कटाई पहली कलर स्टेज यानी फल में आए हल्के से बदलाव पर करनी चाहिए और फ्रेश खाया जा सके इसके लिए गोल्डन येलो कलर होने पर तुड़ाई की जाती है। पाइनएप्पल की फसल एक बार लगाने पर 5 साल तक फल देती है। पाइनएप्पल की औसत पैदावार 50 से 80 टन प्रति हेक्टेयर होती है। पाइनएप्पल अलग अलग फॉर्म जैसे डिब्बा बंद स्लाइसेस, जूस, टिटबिट्स आदि के रूप में स्पेन, अमेरिका, अरब देशों, नेपाल आदि में एक्सपोर्ट किया जाता है। मार्केट प्राइस भी पाइनएप्पल का अच्छा मिलता है और इस तरह से आप पाइनएप्पल की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।